लगातार हो, अपने कंस्टिट्यूएंसी में बढ़िया से लगे रहिए। और जो समस्याएं हैं, बरसात का समय आ गया, नदी में पानी आएगा, इन सब चीज़ का तैयारी करिए। संगठन का काम पर मजबूती लाना है, उस पर बातचीत हुआ है और सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी जानकारी देना है जनता के बीच में जाके। अपने क्षेत्रों में काम कीजिए और पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत कीजिए, क्योंकि हम लोग पार्टी से जुड़े रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज सांसदों की बैठक बुलाई गई थी। लगभग जो 5 सांसद है वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से अब तमाम सांसद जो है वो बाहर निकल रहे हैं। सांसदों से बातचीत किया गया कि आखिरकार कितने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आप लोग को बुलाया, तो क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या कुछ बातें उन्होंने बताई है। इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चर्चा हुई है या नहीं, गठबंधन में जो स्थिति है उसको लेकर भी क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चर्चा किया है सांसदों से। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो सांसद बैठक से बाहर निकले उनसे हमने बातचीत किया। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करते रहें, बरसात का समय है उसको लेकर इंस्ट्रक्शन, लेकिन महागठबंधन, जो महागठबंधन में जिस तरीके से इन दिनों चर्चाएं तेज हो गई थी उस पर उन्होंने क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। हालांकि सांसद ने कहा कि गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सूत्रधार हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो आज अपनी पार्टी के जो सांसद हैं, अपने पार्टी के नेताओं के साथ जो मुलाकात कर रहे हैं, उसका मायने यही निकाला जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम लोगों से यह फीडबैक लिया जा रहा है और किस तरीके से आगे रणनीति बने, कौन से लोग रहेंगे, कौन से लोग भागेंगे, नीतीश कुमार को तो बेहतर पता ही होगा। लिहाजा वो यहाँ पर पहुँचे और नीतीश कुमार से तमाम जो सांसद है उन्होंने मुलाकात की। जब दोनों सांसद बाहर निकले हैं उनसे हमने बातचीत की है, तो दोनों का पूरा बयान हो। अपने कंस्टिट्यूएंसी में बढ़िया से लगे रहिए। और जो समस्याएं हैं, बरसात का समय आ गया, नदी में पानी आएगा, इन सब चीज़ का तैयारी करिए। और जो क्षेत्रीय समस्या है उसके बारे में जानकारी ली है। चुनाव के मद्देनज़र तो वही कि सब लोग बढ़िया से तैयारी करिए, कोऑर्डिनेशन, सहयोग, सहकार बनाइए और हम लोग एक एक सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़े। और जिस सीट से हम एमपी हैं वो सीट कैसे जीता जाए तो उसका चिंता करना है और मजबूती से लगी है। गठबंधन मजबूत है, गठबंधन की अगली बैठक होगी और फिर गठबंधन को मजबूती के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही प्रयास से, माननीय नीतीश जी का प्रयास से ही जो है सारा विपक्षी यहीं पटना में एक हुए हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इसके सूत्रधार हैं। तो ये तो हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हमारा नेता आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। कुछ खास बात हुई सर? ये बातें तो खास ही है, किसी संगठन को मजबूत करना है, समाज में रहना है, सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देना है। फीडबैक लिया है? कोई फीडबैक नहीं लिया है, उन्होंने सिर्फ हम लोगों को एक तरह से ज्ञान वर्धन किए हैं और पार्टी के द्वारा जो संगठन का काम पर मजबूती लाना है उस पर बातचीत हुआ है और सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी जानकारी देना है जनता के बीच में जाके। अपने क्षेत्रों में काम कीजिए और पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत कीजिए, क्योंकि हम लोग पार्टी से जुड़े रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्हीं सब बातों पर बात हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के नेता हैं, तो नेता हैं, ऐसे भी हम लोग मिलते रहे हैं। आज उसी क्रम में आज भी भेंट हुई है, तो औपचारिक बातचीत है, कोई ऐसा गठबंधन को लेकर कोई बात के लिए तैयार रहने के लिए कहा? हाँ, चुनाव के लिए निश्चित रूप से कहेंगे कि आप लोग तैयार रहिए, अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए, बढ़िया से गठबंधन संगठन को मजबूत कीजिए। गठबंधन को लेकर कोई बातचीत? कोई बात नहीं, गठबंधन है, मजबूती के साथ है और मजबूती के साथ रहेगा। बयान दे रहे हैं चिराग पासवान भी दे रहे हैं कि जदयू के लोग उनके संपर्क में हैं। अरे भाई, माने ख्याली पुलाव पकाने में क्या दिक्कत है? कोई अपने मन से कुछ बोलता है तो हम लोग उसके पीछे थोड़ी जा रहे हैं। आप लोग रहिएगा सही से। अरे हम लोग एकजुट हैं और एकजुट नीतीश कुमार के साथ समूचे लोग खड़ा है।